आप देख पाएंगे कि मेरा पहला ब्लॉग जो कि मैंने किया था वो था, मैं इसको धक्का लगा के लेके जा रहा हूँ। अरे डरिए मत, डरिए मत। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक और ब्लॉग कर रहा हूँ। और आज का जो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मेरे पास ऑलरेडी 3 बाइक्स है, जैसे कि आप सबको पता है, पल्सर AS200, इंटरसेप्टर 650 और ट्रायम की स्ट्रीट 7765। पर दिक्कत ये है कि पल्सर AS200 जो है वो बिल्कुल मैं चला नहीं पाता हूँ। अब ये बहुत दिनों से खड़ी है। अब इसके वजह से क्या है कि ये बाइक खड़े खड़े खराब ना हो जाए, तो सबसे पहले इसको मैं करूंगा सेल ऑफ। अब सेल ऑफ करने के लिए काफी सारे प्रोसेस है, क्योंकि ये है WB पासिंग का नंबर और मैं जहाँ पे हूँ ये है पुणे महाराष्ट्र। अब पुणे महाराष्ट्र में सेल ऑफ करने के लिए मुझे सबसे पहले WB पासिंग से MX12 पासिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें जिसमें काफी सारे मशक्कत है, बहुत सारे स्टेप्स है, क्योंकि WB पासिंग की गाड़ी पुणे में सेल ऑफ कभी नहीं होगी। अब इसके वजह से सबसे पहले मुझे काफी सारे चीजें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी ये करूंगा कि गाड़ी निकालूंगा, उसको अच्छे से वॉश करूंगा। गाड़ी पहले से है बिल्कुल सर्विस फ्रॉम पिटलाइन LLP, जो कि पुणे में बहुत फेमस एक वर्कशॉप है, वो मैंने 3 महीने पहले ही करा चुका था। अब मैं गाड़ी निकाल के वॉश ऑफ करके सबसे पहले जाऊंगा पुणे RTO, वहां पे जाके मैं इसके जो पासिंग के जो काम है वो मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि WB पासिंग से MH12 करने में मुझे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है वो है NOC, जो मैंने ऑलरेडी होम टाउन से ले चुकी है। अब मैं NOC जमा करूंगा पुणे RTO में, उसके बाद मुझे एक वेटिंग पीरियड के लिए वेट करना पड़ेगा, तब तक मेरे जो नंबर्स है MH12 के वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसको आराम से सेल ऑफ कर पाऊंगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, कि बहुत खराब कंडीशन है, गाड़ी बहुत ज्यादा हो गई है गंदी। गाड़ी नीचे खड़ी है, बगल में इंटरसेप्टर और स्ट्रीट ट्रिपल। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि गाड़ी की कंडीशन क्या है और उसको धुलवाने के बाद गाड़ी कैसे निकल के आती है। सो स्टे ट्यून टू माई ब्लॉग। और अगर आपको जानना है कि मेरे पास पल्सर AS200 कब से थी, तो आप जरूर मेरा फर्स्ट ब्लॉग चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, वहां पे आप देख पाएंगे कि मेरा पहला ब्लॉग जो कि मैंने किया था वो था पल्सर AS200 पे, जो कि अभी भी मेरे साथ है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सारे चीजें देख पाएंगे ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं गाड़ी दिखा देता हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधे वॉशिंग सेंटर पे, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों गाड़ियाँ हैं मेरे पास, इंटरसेप्टर, AS और स्ट्रीट ट्रिपल, जहाँ पे बीच में है AS। इसका हालत तो बहुत ही ज़्यादा है ख़राब, पूरी की पूरी गाड़ी है गंदी। वैसे मैंने अभी लास्ट सर्विस में ये मोबाइल माउंट विद द चार्जिंग मैंने इंस्टॉल करवाया था और गाड़ी फुल्ली सर्विस्ड है, पर आपको देख के लगेगा नहीं, पड़ी है तो फटाफट स्टार्ट हो जानी चाहिए। पहला ब्लॉग मैंने इसी से किया था, तो देखते हैं कि स्टार्ट होता है कि नहीं। चाबी कहाँ गया, तो इसको मैं फटाफट निकालता हूँ। मेरे को ये गाड़ी देख के इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। स्टार्ट नहीं हुई, इसका चोक ऑन करके देखते हैं फटाफट, शायद अगर इसका चोक लगा ले तो स्टार्ट हो जा सकती है। गाइस एक्चुअली यही होता है, जब भी 2-3 गाड़ियां हो जाती है किसी के पास, तो एक गाड़ी के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता है। तो फटाफट इधर आते हैं और देखते हैं इसका, अगर मैं चोक लगा लूँ। स्टार्ट हो गई, चोक के साथ गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। इसको थोड़ा सा वार्म अप करने देते हैं, जैसे ये वार्म अप हो जाती है आप देख पा रहे हैं ऐसे इसमें फ्रंट टायर इसका बैठ चुका है, क्योंकि ये जो पूरा एलॉय फ्रंट टायर का है ये पूरा का पूरा बेंड हो चुका है, इस वजह से इसमें हवा लगती नहीं है। मतलब अगर हवा में डालता हूँ तो एक ही दिन में ये निकल भी जाती है, तो मुझे इस एलॉय के साथ भी कुछ करना पड़ेगा ताकि इसमें हवा रहे, निकले ना। तो जैसे ही कोल्ड स्टार्ट होती है उसके बाद पैदल लेके जाके इसमें हवा डलवाएंगे, वॉश करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कि गाइस आप देख पा रहे हैं मैं इसको धक्का लगा के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फ्रंट एलॉय है ये बेंड है, मुझे इसमें टेम्पररी तौर पे हवा डलवाना पड़ेगा। और गाड़ी क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद निकाला है, तो इसलिए मैंने गाड़ी को ऑन करके ही छोड़ दिया है, तब तक इसका बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। गाड़ी इतनी भारी नहीं है, हल्की है, अगर ये इंटरसेप्टर होती तो फिर बात कुछ और होता, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट बाइक है, तो इसलिए मुझे इसमें
ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पर फिर भी धक्का लगा कि इतना दूर जाना भी एक टफ चीज़ होती है। और गाड़ी में पेट्रोल तो है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने दिनों बाद जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी के हेडलाइट्स, इंडिकेटर, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बस इसे एक वॉश की ज़रूरत है, और जैसे ही वॉश होती है मुझे भागना पड़ेगा RTO, और जैसे पासिंग हो जाती है उसके बाद देंगे इसको सेल ऑफ के लिए। अभी देखते हैं कौन वो लकी बंदा होगा जो मेरी पहली बाइक वो लेंगे। गाड़ी तो है एकदम बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में, 2015 नवंबर का मॉडल है, जिस टाइम बजाज पल्सर एस पहली बार इसको लॉन्च किया था। भले ही वो एक साल के लिए गाड़ी चली थी, बस इट्स अ वेरी लिमिटेड एडिशन बाइक, बहुत ही कम लोगों ने इसको लिया है, पर जिन्होंने लिया है आई एम श्योर कि वो रिग्रेट नहीं करते बाइक को लेके। मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में उस टाइम भी थी, आज भी है, और आई एम श्योर कि फ्यूचर में भी रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लूज है, तो इसको मैं फटाफट भैया से टाइट करा रहा हूँ। पता नहीं ये लूज़ कैसे हो गया, समझ में नहीं आया मेरे को। जैसे ही टाइट होता है आगे के टायर पे, मैं अभी इस पर हवा डलवाऊंगा, और हवा डलवाने के बाद इसकी होगी वॉशिंग। ये चेक करें गाइस, ये चेक करें, गाड़ी नई की नई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये WB पासिंग की गाड़ी है, मतलब मेरे होम टाउन वेस्ट बंगाल। पर मुझे इसको सेल बिल्कुल नहीं करना है, पर अभी क्या करें, ऑलरेडी दो गाड़ियां हैं तो मुझे इसको जाने देना पड़ेगा। तो आज जाते सीधे RTO, उसके पहले इसका व्हील अलाइनमेंट का काम करते हैं, क्योंकि इसका व्हील जो है थोड़ा सा बेंड है। जैसे इसका काम करता हूँ मैं, उसके बाद RTO जाएंगे। RTO जाने के बाद देखते हैं कि पेपर वर्क में क्या खर्चा आता है, और वो भी आपको अपडेट देते रहेंगे। चलते अभी सीधे मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉग पे, और आप अभी बहुत दिनों बाद पहली बार बजाज पल्सर एस 200 में मेरा ब्लॉग देखेंगे, तो चलिए। सो गाइस, बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से अपने पल्सर पे मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, और फील कुछ अलग ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चली है 31,000 किलोमीटर्स। पहले का जो टायर का जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा है ख़राब, इसलिए मुझे आहिस्ता आहिस्ता आराम से जाना पड़ेगा। जा रहा हूँ सीधे अभी मैं व्हील अलाइन पे शॉप पे, जहाँ पे इसका जो फ्रंट टायर का काम होगा। गाड़ी चल तो बहुत स्मूथ रही है, कोई इशू नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। अब इस गाड़ी के बारे में कुछ बता दूं, ये है पल्सर एस 200, 200 सीसी की बाइक है, जो प्रोड्यूस करती है कुछ 24.5 bhp और 18 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन बाइक है, पल्सर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2015 के टाइम, जब ये गाड़ी पहली बार लॉन्च हुई थी। ये गाड़ी बस एक ही साल चली, ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों चली एक साल, पर गाड़ी में इतनी जान है कि कोई इश्यूज नहीं है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन चलती है गाड़ी। इसका जैसे आप मीटर देख पाते हैं, एनालॉग और डिजिटल मीटर का कॉम्बो है। ये एनालॉग मीटर जो है RPM के लिए है, और ये डिजिटल मीटर में स्पीड वगैरह दिखाता है, टाइम, और ये साइड स्टैंड सेंसर भी है इसमें। और क्या स्मूथ राइड दे रही है गाड़ी, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, ये मेरा जो बाइक का व्हील है ये थोड़ा सा बेंड है, जिसके वजह से हवा ले नहीं पा रहा, छोड़ दे रहा है। सही वेल्डिंग वर्क सेट है ना, व्हील बेंड है। हाँ, तो अच्छा है, व्हील बेंड नहीं है तो हवा क्यों छोड़ दे रहे? हवा जा रही क्या? हाँ होगा। हाँ, साइड में से ये क्यों? तो कोटिंग करना पड़ेगा अंदर से, मैग्नेट को। बस तभी ठीक हो जाएगा पक्का, तो फिर वही करा दो फिर। मेरे को लगा कि व्हील बेंड है, व्हील बेंड नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपना टायर दे दिया है, यहाँ पे वेल्डिंग वर्क्स में काम होगा उसका। टायर के एलॉयज में कोई भी बेंड वगैरह नहीं है, पर उसमें थोड़ा बहुत कोटिंग और क्लीनिंग की ज़रूरत है, जिसके वजह से टायर के साइड से एयर लीकेज हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हवा एक दिन भी नहीं रुक रही है, एक एक दिन में हवा ज़ीरो हो जा रहा है।
तो अभी मैंने एलॉयज और टायर क्लीनिंग के लिए दी है, कोटिंग के लिए दी है। जैसे वो क्लीन और कोट हो जाती है कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद वो हमें कॉल कर देंगे और उसके बाद देखते हैं कि हवा लेती है या नहीं लेती। गाइस तो चलिए बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे कि मैंने अभी अपना टायर जो है काम के लिए दे दिया, उसमें थोड़ा सा कोटिंग और क्लीनिंग की ज़रूरत है टायर और एलॉय व्हील्स में। तब तक के लिए मैं अभी एक ऐसी वाली जगह पे आ गया हूँ, जैसे मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं खाने पीने का सामान और चाय वगैरह है, नाश्ता भी कर लेता हूँ तब तक मैं। और मैं अभी आपको अपना बाइक दिखाता हूँ गाइस। तो ये रही मेरी बाइक, इसका पहला व्हील जो आप देख पा रहे हैं कि ये काम के लिए मैंने दे दिया है, और बाइक है एकदम नीट एंड क्लीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी बेंड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एलॉय में कोटिंग किया गया, क्लीनिंग किया गया। अब इसमें मुझे लगता है कि कोई भी लीकेज का सवाल पैदा नहीं होगा। अब इसको फटाफट फिट कराते हैं, तो अभी फटाफट टायर लगा देते हैं इस पर। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे RTO, पुणे RTO में जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन का काम कराएंगे। WB से इसको MH का पासिंग देंगे। व्हील का काम तो हो गया, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं थी। मेरे को तो लग रहा था कि शायद अलॉय वगैरह बेंड हो गए होंगे, पर बात यह थी कि उसमें सिर्फ कोटिंग का काम हुआ अलॉय में और साफ़ सफाई हुई। अब क्या होगा कि इसमें जो हवा चली जा रही थी ये बिल्कुल नहीं होगा। हवा कम हो जाने से क्या होता है कि अलॉय बेंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी जो है कि हवा वैसे का वैसा ही रहेगा, तो मेरे को अभी उसके लिए कोई टेंशन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल भागते हैं RTO के तरफ और ये चेक करें गाइस, अभी सिटी का जो है आपको प्रॉपर दर्शन दिया जाएगा। यहाँ से RTO जो है प्रॉपर 8 किलोमीटर है, और अभी आप देख पा रहे हैं आज सूरज बहुत ज़्यादा ही निकला हुआ है। अब मुझे इतने सारे काम कराने के बाद एक ही काम रह जाएगी, वो है कि इसको सेल कराना। अब देखते हैं कि कौन बंदा है जो इसको लेगा, क्योंकि यह है एस 224.5 BHP, 1890 Nm टॉर्क, और गाड़ी तो चल रही है मक्खन की तरह। मेरे को खुद इसको सेल करने का बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करें, ऑलरेडी मेरे पास 2 बाइक्स है तो इसके कारण मुझे इसको सेल करना पड़ रहा है। बस इसमें एक ही डाउन मेरिट है, तो वो है कि इसमें ABS नहीं है, इसके कारण ब्रेक्स जो है मुझे थोड़ा ध्यान से देने पड़ते। पर क्योंकि ये बहुत पहली वाली गाड़ी है मेरी, तो इससे मैं मैनेज कर लेता हूँ इसको आराम से। टाटा गुड बाय गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुणे ट्रैफिक का हालत, ऑलरेडी 2-4 गाड़ियाँ आगे चली गई, रेड सिग्नल था फिर भी एक आध गाड़ियाँ चली गई, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे ट्रैफिक में। लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी है, ये देखिए ये कैब वाला बंदा भी आगे जा रहा है। फिलहाल मेरे को फॉलो करना है ट्रैफिक रूल्स, तो इस वजह से मैं आराम आराम से जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो अभी इसको थोड़ा सा खींच के देखते हैं, 2016 मॉडल AS200 बजाज का कैसी भागती है। और बाय द वे इसमें कोई स्लिपर क्लच वगैरह कुछ नहीं है, प्योर रॉ गाड़ी है, 24.5 BHP की गाड़ी। तो उस टाइम क्या था, इसको ड्यूक 200 का कंपेटिटर माना जाता था, क्योंकि 200 cc में कुछ ही ऑप्शंस थे, एक ड्यूक 200, AS200, RS200, ये 2-3 मॉडल ही हुआ करती थी जो मार्केट में रूल करती थी, उसमें से एक है ये AS200। ओ हाँ बाय द वे मैं NS200 भूल ही गया, NS200 और AS200 दोनों एक ही बाइक्स है सिमिलर इंजन स्पेक्स के साथ। बस इसमें जो है कि इसमें सेमी फेड फेयरिंग आता है आधा वाला, और NS200 प्रॉपर नेकेड बोला जाता है उसको। तो गाड़ी फिर भी मक्खन की तरह भागती है। फिलहाल मैं वापस से फिर ट्रैफिक में आके फंस गया इधर, वेट करते हैं ट्रैफिक खुलने का, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर जाती कैसी है। तो काफ़ी अच्छी खासी खींच लेती है, 60, 70, 80 कोई इशू नहीं है, 100 तक भी चला जाती है, पर यहाँ पे रोड अभी ट्रैफिक से भरे पड़े इसलिए मैं इसको ज़्यादा खींच नहीं पा रहा हूँ। इस पर मैंने एक हैज़र्ड का स्विच भी लगा दिया है, इसके वजह से मेरे पास प्रॉपर हैज़र्ड के लैंप्स भी है जो इंडिकेटर्स चारों एक साथ जलते हैं, तो हाईवेज में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसको मुझे अलग से लगाना पड़ा। और यह एक मोबाइल माउंट जो कि मैंने अलग से लगवाया है,
और नीचे है यूएसबी के चार्जिंग के पॉइंट। तो फटाफट निकलते हैं। अरे डरिए मत डरिए मत। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं। आंटी जी डर गई अभी थोड़ी देर पहले, तो फटाफट निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक में कैसे मैनूवर किया जाता है। अब इसमें जो यूज होगा प्रॉपर इंजन ब्रेकिंग का यूज होगा। रुको जरा, सबर करो। और ये बंदा देखिए कैसे लल्लू के जरा अपना एक्टिवा चला रहा है। तो फटाफट इसको मैं अभी भगाता हूँ और फिर से मैं अटक गया अपने ट्रैफिक पे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ देव कुमार मलिक, डी के मलिक, गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ यहाँ। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, देख लो स्लो चल यार। आराम से इसको निकाल के मैं अभी वेट करूँगा और जैसे ट्रैफिक खुलती है फिर आपसे मिलेंगे भगाते हुए। ये देखिए 50 तो ऐसे उड़ जाता है, कोई टेंशन नहीं इसमें। अभी देखते क्या सीन रहता है। 70, 80। फिर भी इसको ज़्यादा नहीं भगा पा रहा हूँ क्योंकि ABS नहीं है, तो आराम आराम से चलना पड़ेगा। अरे भाई ना इंडिकेटर ना कुछ, बस हाथ को ही इंडिकेटर बना दिया है। अभी यहाँ से सीधे जाना है राइट। तो अभी हम पहुँच गए कुछ इस तरह की जगह पे, जैसे कि आप देख पा रहे ये है शनिपुर चौक बोलते हैं इसको। यहाँ से सीधे मुझे अभी RTO के तरफ जाना है और आज के आज बहुत ज्यादा है ट्रैफिक, तो मैं आपको मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अभी RTO का काम हो गया है खत्म, मैंने सारे जितने भी पेपर थे डॉक्यूमेंट थे सारे दे दिए। देखते हैं कि नंबर कौन सा मिलता है। फटाफट से अभी घर जा रहे और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय और लिव फ्री राइट फ्री।